बंटी, टिंकू के पास बहुत सारा पटाखा है। हाँ हाँ बबली, मेरे पास बहुत सारा पटाखा है। ये देख भाई, मेरे पास कितना बड़ा रॉकेट है। देख देख कितने ऊपर जाएगा। देख देख मेरे भाई के पास बहुत बड़ा बम है। भाई दिखा दिखा। देख भाई मेरा बम अब कैसे फूटेगा। भाई अब तू भी दिखा, चल शुरू कर। आइयो माँ, मेरी इतनी इम्पोर्टेंट कार के पास तुम लोग पटाखा फोड़ता है। आइयो जी, तुम बच्चे लोग भागो यहाँ से, भागो। अंकल अरे भाई बंटी, ले मिठाई खा। मिठाई? मिठाई किस बात की? अरे भाई मेरी नौकरी लग गई। क्या, तेरी नौकरी लग गई? हाँ भाई। सही है यार, क्या सरकारी नौकरी लग गई क्या? हाँ भाई सरकारी है। अच्छा, सैलरी कितनी है? अभी तो थोड़ी कम सैलरी है, पर धीरे धीरे बढ़ जाएगी। और वैसे भी सरकारी है ना, तो अब तो फ्यूचर सेट ही है भाई। अरे भाई ये सैलरी वैलरी तो ठीक है, पर देख सरकारी नौकरी में ना तुझे ऊपरी कमाई से ज्यादा फायदा होगा, तो तू ना ऊपर की कमाई में लगा रहना। नहीं नहीं भाई, मैं ना ईमानदार अफसर बनूंगा, ना गलत करूंगा, ना किसी को गलत करने दूंगा। अरे भाई ईमानदारी तो ठीक है, लेकिन कभी ना कभी पैसों की तो जरूरत पड़ेगी ही, घर कार खरीदने में, और इस सब के लिए ना ऊपरी कमाई की जरूरत पड़ेगी। अब भाई तूने मेरा बिजनेस तो देखा ही है, तू जानता है कि मेरे पास कितना पैसा है, और ये सब कहाँ से है? टैक्स वैक्स छुपाने से, ब्लैक मनी बोले तो काला धन कमाने से। ओ भाई तेरे पास ब्लैक मनी है? देख भाई, तू मेरा दोस्त है इसलिए तुझे बता रहा हूँ, किसी से बोलियो मत। ये जो मेरा गोदाम है ना, उसमें पूरा पैसा ही पैसा है, चकाचक माल भरा हुआ है। हैं? तेरे गोदाम में भाई पूरा पैसा भरा हुआ है? हाँ भाई, पैसा ही पैसा भरा हुआ है। वैसे किस डिपार्टमेंट में लगी है तेरी नौकरी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।